हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड आज से हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टडीज पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स का नाम दिख रहा होगा जो कि हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरा सीरीज में। देखो, लॉगरिथम, डिटर्मिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, त्रिकोणमित्री, उसके बाद हम लोग फंक्शन एंड लिमिट को सीखेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मैट्रिक्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरा सीरीज में। एंड यहाँ पे कुछ बोर्ड का नाम मैंने लिखा है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड एंड दूसरे भी बोर्ड्स है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिसके सिलेबस में इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स दिए होते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिथम से, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है एंड मैक्सिमम बोर्ड के सिलेबस में आपको लॉगरिथम चैप्टर देखने को मिल जाएगा। एंड एग्जाम में लॉगरिथम से दो या तीन सवाल तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं एंड इसीलिए हम लोग लॉगरिथम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बोले तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा एंड आपको कुछ होम टास्क भी दूंगा, आप वो सारे होम टास्क सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड आप वही होम टास्क मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कितने सारे दोस्त मेरे साथ मैथ सीख रहे हैं। तो दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो, लॉगरिथम क्या है दोस्तों? लॉगरिथम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। देखो, एक नंबर को हम लोग बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तरीका है लॉगरिथम। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 49 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? 49 का मतलब 49 ही होता है, 7 × 7, 7 × 7 वो भी 49 ही होता है एंड 7² वो भी 49 ही होता है। देखो, यहाँ पे मैं 49 को तीन तरीके से लिखा, ठीक है? तो एक तरीका और है जो कि है लॉगरिथम का तरीका, ठीक है? तो लॉगरिथम के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? बिल्कुल इस तरह के फॉर्म को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है? 7² तो यहाँ पे हम लोग एक बेस लेंगे, ठीक है? एक बेस लेंगे, ठीक है? बेस लेने के बाद हम लोग नंबर को लिखेंगे। अभी यहाँ पे आंसर क्या होगा ये हमें देखना होगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग बेस को देखेंगे, ठीक है? बेस हमने क्या लिया? 7 लिया। तो 7 का पावर हमें कितना लगाना होगा या फिर 7 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमें 49 मिल जाए? दो बार, डेफिनेटली दो बार, ठीक है? तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया 49 को हम लोगों ने लॉगरिथम के आकार पर लिख लिया, हम लोग सक्सेस हो गए। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द लॉगरिदम ऑफ 49 टू द बेस 7। तो हमने यहाँ पे बेस लिया 7, तो 7 इज कितना होगा दोस्तों? 2, ठीक है? ओके, तो ये था एक एक्सप्रेशन। अभी हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, 81 लेते हैं, ठीक है? देखो, 81 को हम लोग 9 × 9 या फिर 9² भी लिख सकते हैं एंड इसको हम लोग 3 के आकार में भी लिख सकते हैं। 3 को अगर हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 81 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 to the power 4। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दो फॉर्म मिल गया है दोस्तों। देखो, इसके फॉर्म पे अगर लेते हैं, मतलब 9 को अगर हम लोग बेस लेते हैं तो लॉगरिथम क्या होगा 89 का? तो देखो, यहाँ पे लॉगरिथम बेस हमने लिया 9, हम लोग निकाल रहे हैं 81 का लॉगरिथम। तो क्या होगा दोस्तों? बेस को कितनी बार गुना करना होगा या फिर बेस का पावर कितना होगा जिससे कि 89 हमें मिल जाए? 2, ठीक है? तो यहाँ पे होगा 2। तो आप यहाँ पे भी लिखिएगा द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 9 इज 2। ओके, अगर इसको फॉलो करते हैं तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग 3 को बेस लेते हैं, 3 को अगर बेस लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों? 81 का लॉगरिथम, ओके, 3 का पावर कितना होना चाहिए जिससे कि हमें 81 मिल जाए? 4। तो लॉगरिथम क्या होगा दोस्तों? 4। द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। बिल्कुल सिंपल है। ओके, देखो यहाँ पे, चलो अभी अगर बेस के ऊपर हम लोग लॉगरिथम लगा देते हैं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? नंबर, ओके,
बेस का पावर अगर हम लोग लॉगरिदम लगा देते हैं तो हमें नंबर मिल जाएगा। जैसे कि देखो इसी केस में क्या करते हैं, बेस क्या है दोस्तों 7, ठीक है, बेस हमारा है 7 एंड लॉगरिदम यहाँ पे log 7 बेस 49 इजिकल टू हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो दोस्तों, यहाँ पे 7 एंड इसका लॉगरिदम क्या है 49 का, 7 के बेस में लॉगरिदम क्या है दोस्तों 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ही तो मिलेगा ना, यहाँ पे 49 ही तो मिलेगा ना। ओके, तो ये था एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको तो इतना पता चल गया होगा, जब हम लोग किसी भी नंबर का लॉगरिदम वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग बेस क्या लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उस नंबर का लॉगरिदम वैल्यू। जैसे कि आप लोगों ने सेकंड एग्जांपल में देखा होगा, जब हम लोग 81 का लॉगरिदम वैल्यू निकाले थे 9 को बेस मान के, तब हमें लॉगरिदम वैल्यू मिला था 2। लेकिन जब हम लोग 81 का लॉगरिदम वैल्यू निकाले थे 3 को बेस मान के, तब हमें लॉगरिदम वैल्यू मिला था 4। मतलब किसी भी नंबर का लॉगरिदम वैल्यू डिपेंड करता है उसके बेस के ऊपर, हम लोग बेस क्या ले रहे हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों इसी बेस के ऊपर डिपेंड करके हमें दो तरह के लॉगरिदम देखने को मिल जाता है, एक तो है नेचुरल लॉगरिदम एंड दूसरा क्या है दोस्तों कॉमन लॉगरिदम। चलो इसको लिख लेते हैं, नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है, एंड दूसरा क्या है दोस्तों कॉमन लॉगरिदम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिदम हम लोग किसे कहते हैं एंड कॉमन लॉगरिदम हम लोग किसे कहते हैं। देखो दोस्तों जब हम लोग किसी भी नंबर का लॉगरिदम वैल्यू निकालते हैं ई को बेस मान के, ठीक है, तो इस तरह के लॉगरिदम को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम, जिसका बेस ई होता है, ठीक है। एंड जब हम लोग किसी भी नंबर का लॉगरिदम वैल्यू निकालते हैं 10 को बेस मान के, तब हम लोग इस तरह के लॉगरिदम को कहते हैं कॉमन लॉगरिदम, जिसका बेस होता है 10। ओके, ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों कुछ नोट्स लिखते हैं, ठीक है, चलो देखो, log a base b is meaningful when क्या होगा a greater than 0 b greater than 0, ठीक है। एंड हम लोगों ने बेस किसको माना है, a माना है, ठीक है, तो a not equal to 1, ठीक है, 0 से ज़्यादा होगा लेकिन not equal to 1। ओके, तो ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, लॉगरिदम वैल्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिनाइट नॉन जीरो बेस Not equal to 1 is 0। मतलब देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम लोग 1 का लॉगरिदम निकालेंगे, ठीक है, कोई भी फिनाइट नॉन जीरो बेस को मान के, तो हमें वैल्यू मिलेगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप पावर 0 देते हैं तो हमें मिलता है 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 100 लेंगे, 100 का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों 1। अगर आप यहाँ पे 1000 लेंगे, उसका पावर अगर 0 देते हैं तो आपको मिलता है 1। ओके, तो इसीलिए लॉगरिदम वैल्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिनाइट नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वाला बात आप याद रखिएगा, ये सारे नोट्स आप लिख के रखिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो इसको पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, और भी कुछ नोट्स है दोस्तों जिसको हमें समझना है। ओके, चलो रूल नंबर
3 with respect to any positive base, the logarithm of a positive number equal to the base is always 1. देखो दोस्तों, जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम निकालेंगे एंड बेस उसी पॉजिटिव नंबर को लेंगे, मतलब बेस एंड नंबर अगर इक्वल होता है तो हमें लॉगरिथम वैल्यू ऑलवेज 1 ही मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ बी एंड बेस हम लोग बी को ही मानते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, एंड वैसे ही लॉगरिथम ऑफ ए, बेस हम लोग ए को ही मानते हैं तो भी हमें 1 मिल जाएगा। तो हमें ये दोनों चीज़ें देखना होगा, नंबर एंड बेस अगर इक्वल होता है तो फिर हमें ऑलवेज 1 ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब रूल नंबर 4, ओके। द लॉगरिथम वैल्यू कैन बी नेगेटिव, ठीक है, लॉगरिथम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। देखो यहाँ पे लॉग हम लोग मान लेते हैं बी को बेस, ओके, एंड 1/b का हम लोग लॉगरिथम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लॉग बी 1, ओके। इसको हमने स्प्लिट कर दिए हैं, ठीक है, फॉर्मूला में हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिए हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बी, ओके। तो 1 का लॉगरिथम क्या होता है दोस्तों, 1 का लॉगरिथम ऑलवेज 0 होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बेस एंड नंबर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है हमें, -1, जो कि लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों, हम लोग जिसको बेस मान रहे हैं वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1, ये है कंडीशन, ठीक है। ये था नोट नंबर 4। अभी नोट नंबर 5, द लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, ठीक है, ओके। एक नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम इमेजिनरी होता है, ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। एंड आखिरी नोट देखो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम में अगर लॉगरिथम का बेस नहीं दिया होता है, ठीक है, किसी भी मैथ में अगर लॉगरिथम का बेस नहीं दिया होता है तो हम लोग उस प्रॉब्लम पे जितने सारे लॉग हैं उन सभी लॉग का बेस सेम मान के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम पे लॉग का बेस नहीं दिया होता है तो हम लोग सारे लॉग के लिए क्या सेम बेस मान के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स है दोस्तों, जब आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तब ये सारे नोट्स आपको लगने वाला है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला को सीखेंगे। देखो दोस्तों, फॉर्मूला किसी भी ताले को खोलने का चाबी जैसा होता है, ठीक है। तो मैथ्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला तो सीखना ही होगा। चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे फॉर्मूला एक के बाद एक सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लिखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई आकार में होता है एंड हमें उसका लॉगरिथम निकालना होगा, मान लेते हैं बेस है ए, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें अलग अलग लिखना होगा, बेस को सेम रखो एंड उसके बाद इस मल्टीप्लाई को थोड़ा सा इस तरह से घुमा दो तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। एंड देखो दोस्तों, इसका वैल्यू तो आपको पता होगा, कितना होगा इसका वैल्यू, बेस एंड नंबर इक्वल है तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिखते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस log 10 बेस 2। एंड अगर आप इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेटर में निकालेंगे एंड उसको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 1। ठीक है ना दोस्तों, यह है पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखो, जब कोई नंबर डिवीजन आकार में होता है, ठीक है, डिवाइड आकार में होता है बिल्कुल इस तरह से, एंड इसका हमें लॉगरिथम निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ए है हमारा बेस। ओके, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो अलग अलग लिखना होगा, जो ऊपर है उसको पहले लिखेंगे एंड जो नीचे है उसको हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, बेस बिल्कुल सेम रहेगा एंड ए वाला शॉर्ट लाइन आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये बन गया सेकेंड फॉर्मूला। जब नंबर डिवीजन आकार में होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसी को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखो अभी हम लोग इसी को डिवाइड आकार में लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं log 10 वेस 10 माइनस log 10 वेस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होगा एंड इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, लॉगरिथम ऑफ 1 ये होगा 0। ठीक है, तो ये बन गया 1। ठीक है ना, ये है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला लिखो, जब किसी नंबर के ऊपर पावर होता है, ओके मान लेते हैं इसके ऊपर पावर है r, ठीक है, एंड इसका हमें लॉगरिथम निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे तो इसका पावर को उतारो, पावर को लिख लो। ठीक है, एंड बाद में ये पार्ट आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, जब किसी नंबर के ऊपर पावर होता है तो पावर को हम लोग आगे लिखते हैं देन हम लोग उसका लॉग लेते हैं। ठीक है, ओके चलो, अब इसी को अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा, मान लेते हैं log 10 बेस 2 का पावर 2। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इस पावर को सबसे पहले लिखेंगे एंड ये आ गया आपका बाकी। ओके, ठीक है ना, ये हो गया तीन फॉर्मूला। नंबर 4, देखो इन तीनों फॉर्मूला के केस में हम लोगों ने बेस को सेम रखा है। ठीक है, बेस को सेम रखा है हम लोगों ने, तो बेस को क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, जी हाँ बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास है ये वाला वैल्यू। ठीक है, अभी इसका हम लोग बेस चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग लॉग लेंगे। ओके, तो हम लोग जो नंबर बेस के आकार में देखना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखे हैं यहाँ पे ऊपर लिख देंगे एंड ये वाला बेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने बेस को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, बेस को चेंज कर दिए हैं एंड यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो पहले ये था, हम लोगों ने अब इस तरह से लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एरो के सहारे दिखा सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये चारों है दोस्तों बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम। ओके चलो, एंड बाकी रूल्स को हम लोग फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे, जो हम लोग अभी अभी सीखे हैं। ठीक है, फाइव नंबर रूल, लॉग 1 का वैल्यू तो आपको पता होगा जो कि होता है 0। ठीक है, 6 नंबर रूल, अगर log किसी नंबर एंड बेस ये दोनों अगर सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ये आपको पता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेस को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, log अभी यहाँ पे b बेस आ जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे a बेस था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, उल्टा दिया। ठीक है, यहाँ पे b हो गया बेस
एंड नेक्स्ट रूल हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log b by log a, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है दोस्तों, ये सारे आपको याद करना होगा। तो क्या कीजिए, ये सारे रूल आप लिख लीजिए एंड दो तीन मिनट इसको देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे एंड मैं आपको होम टास्क भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो ये सारे आप लिख लो फटाफट से। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने सारे फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू लॉग रूट टू बेस टू, ठीक है। यह है पहला एग्जाम्पल एंड दूसरा भी लिख लेते हैं एक साथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग थ्री रूट टू बेस 324, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना होगा, ओके। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस टू को पहले रहने दो यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टू का लॉगरिदम निकालना होगा रूट टू को बेस मान के, ठीक है। टू का लॉगरिदम हमें निकालना होगा रूट टू का बेस मान के। तो लॉगरिदम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बेस को हम लोग जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे इसे पाने के लिए वही होगा इसका लॉगरिदम। तो बेस को यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू इज इक्वल टू टू होता है, ये आप सभी को पता होगा, या फिर रूट टू स्क्वायर भी टू होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग इस टू को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो रूल नंबर थ्री याद कीजिए, अगर कोई नंबर का पावर होता है तो हम लोग उस पावर को आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू लॉग, कुछ इस तरह से हो जाएगा, बेस एंड नंबर दोनों ही अगर इक्वल हो तो क्या होगा उसका वैल्यू, क्या होगा दोस्तों, रूल नंबर सिक्स याद कीजिए, वन, ठीक है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है फोर। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बेस लिया गया है थ्री रूट टू एंड नंबर है 324। तो इस बेस को जितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा या फिर इस बेस के ऊपर जितना पावर हमें लगाना होगा वही तो होगा इसका लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं, थ्री रूट टू का हम लोग अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, थ्री का स्क्वायर करो नाइन एंड रूट टू का स्क्वायर करो टू, तो ये बन जाएगा हमारा 18। लेकिन यहाँ पे तो 324 है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चलो अब हम लोग पावर फोर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री का पावर फोर करने से हमें मिलता है 81 एंड रूट टू का पावर फोर करने से मतलब टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 324, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थ्री रूट टू एंड 324 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर थ्री के अनुसार ये फोर आगे चला आएगा एंड रह जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर सिक्स के अनुसार इसका वैल्यू है वन, तो फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, होम टास्क लेंगे, ठीक है, होम टास्क। तो होम टास्क लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला होम टास्क लॉग एंड दूसरा होम टास्क लॉग, चलो इसका मैं वैल्यू देता हूं अभी, रूट थ्री 343, ठीक है। एंड यहाँ पे टू रूट थ्री होगा ये, ठीक है, एंड 1728, ओके, ठीक है।
ये है आपका होम टास्क, ये आप दोनों इन दोनों होम टास्क को प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मुझे सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7866804794। ओके चलो भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 base 5 मल्टीप्लाइड by log 25 base 27, ठीक है। ओके तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट वाला रूल मतलब रूल नंबर 8 यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग log 5 by log 3 के आकार में लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड by log 27 by log 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ और छेड़खानी नहीं करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से रहने देंगे 3। ओके अभी देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 27 है, 27 को हम लोग 3 के क्यूब आकार में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी log 3 है तो हम लोग 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाता है log 3 का क्यूब एंड नीचे 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल जाता है 25, क्योंकि 5 हमारे पास ऑलरेडी है तो 5 से हमने अगर ट्राई किया तो हमें मिल गया है 25, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी इसको इसी तरह से रहने दे। अभी पावर क्या होगा दोस्तों, पावर सामने आ जाता है तो सामने आ जाएगा log 5 एंड पावर सामने आ गया, ओके ठीक है ना। तो अभी देखो दोस्तों यहाँ पे जो 3 एंड 2 है इसको सबसे पहले सामने लिख लेते हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे, अभी हम लोग ये सारे कैंसिल भी कर सकते हैं, log 5 के साथ log 5 हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, log 3 के साथ log 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई log 3 बाई log 3, ओके चलो अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 बाई 2 ये रहेगा। एंड इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से तो डेफिनेटली लिख पाएंगे, ठीक है। बैक प्रोसेस एंड इसके बाद log 3 बेस 3 होगा, तो ये दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, तो हमारे पास रह जाएगा 3 बाई 2, या फिर आप यहीं से कट कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 बाई 2 मिल जाता। तो मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा आपको जस्ट समझाने के लिए, ओके, कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके। ये आप जितना मैथ करेंगे आपको उतना ही आता रहेगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, log 2 log रूट 3 बेस 81, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। log 3 log 2 log रूट 3 बेस 81, तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम लोग इस तरह के मैथ्स को पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है, तो सामने वाला पार्ट बिल्कुल उस तरह से रह जाएगा log रूट 3। अभी क्या करेंगे दोस्तों, 81 को हम लोग रूट 3 के आकार में लिखने की कोशिश करेंगे, 81 को हम लोग रूट 3 के आकार में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों हमें पता है रूट 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल जाता है 3, एंड 3 का अगर पावर 4 करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना, 81, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 81 मिलता है हमें, तो ये क्या होगा, रूट 3 का पावर होगा 8, ओके ये हो जाएगा हमारा 81।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रूट थ्री का पावर 8, ठीक है, ओके। ये मैंने किस तरह से करा, देखो दोस्तों रूट थ्री का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें 3 मिलता है, एंड 3 का अगर पावर 4 करते हैं तो हमें मिलता है 81। तो 3 की जगह पे आप रूट थ्री का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, ठीक है, एंड ये पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाता है। रूट थ्री का पावर अगर हम लोग 8 करते हैं तो हमें 81 मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट थ्री टू द पावर 8 लिखा है, ओके। तो देखो अभी क्या होगा, लॉग ये पावर आगे आ जाएगा 8 लॉग रूट थ्री रूट थ्री, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि बेस एंड नंबर दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे रह जाएगा लॉग, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया है, एंड 8 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग 2 में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये 2 का क्यूब हो गया है, एंड बाकी वाला पार्ट तो 1 हो गया है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके, ठीक है। पावर क्या होगा दोस्तों, आगे आ जाएगा एंड ये रह जाएगा लॉग 2 बेस 2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस एंड नंबर दोनों इक्वल है। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी बेस 3 है, नंबर भी क्या है दोस्तों, 3 है, तो ओवरऑल हमारे पास रहता है 1, ठीक है, ओके। चलो एक लाइन और भी लिख लें आप, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलो अब ये था एग्जाम्पल नंबर 4, अभी हम लोग होम टास्क लिखेंगे, ओके। होम टास्क यहाँ पे भी 2 होम टास्क मैं देने वाला हूँ, होम टास्क नंबर 3, होम टास्क नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, कौन सा दूँ आपको, अच्छा ये वाला दे देता हूँ, लॉग 2 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 3, ठीक है, एंड 27 टू द पावर 3, ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकाल के मुझे भेजना होगा, ठीक है। एंड 4 नंबर होम टास्क कौन सा दूँ आपको, लॉग 3 लॉग 2 लॉग 2, ठीक है, लॉग 3 लॉग 2 लॉग 2 एंड क्या है 256 256। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, इसके जैसा रहेगा, ठीक है, ये दोनों आपको सॉल्व करना है एंड मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद होगा ही, ओके। चलो अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं, ये तो सिंपल सिंपल था। एंड आपके पास अगर मैथ किताब हो तो वहाँ से भी आप लॉगरिथम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं कर देने। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6 3 log 1728 एंड नीचे होगा 1/2 log 36 प्लस 1/3 log 8 एंड ओवरऑल पावर है हाफ, ठीक है, ओके। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, सबसे ईजिएस्ट पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे, सबसे सिंपल सा पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे, ओके। 3 log इसको ऐसे ही रहने दो, एंड यहाँ पे हाफ हो गया है, log 36 को हम लोग 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 1/3 log 2 को हम लोग 8 को हम लोग 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का पावर क्यूब होता है तो 8 होता है, एंड ओवरऑल पावर कितना है हाफ है, ओके। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, एंड यहाँ पे पावर क्या होगा दोस्तों, आगे चला आएगा तो 1/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है 2, तो 2/2 होगा log 6 प्लस ये 3 आ जाएगा सामने, एंड 1/3 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई होता है तो 3/3 होता है, ठीक है,
3/3 log 2 एंड ओवरऑल पावर है हाफ। ओके, इस पार्ट को इस तरह रहने दे एंड ये 2 कट जाएगा, 3/3 कट जाएगा, तो नीचे रह जाएगा log 6 प्लस log 2। ओके, देखो यहाँ पे प्लस आकार में है, ठीक है, तो प्लस आकार किस रूल में आता है, रूल नंबर 1, ठीक है, जब नंबर मल्टीप्लाई आकार में होता है उसको हम लोग इस तरह से प्लस आकार में तोड़ते थे, ठीक है, तो प्लस आकार से हम लोग मल्टीप्लाई आकार में भी जा सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पावर रहेगा हाफ, ओके, 1/6, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा दोस्तों, लॉग 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका पावर हाफ एंड यहाँ था लॉग 1788, ठीक है, ओके, 1/6 हो गया। अभी नीचे कितना आता है, लॉग 12, तो हमें वैनिश क्या करना है दोस्तों, लॉग को वैनिश करना है, तो ऊपर भी हमें लॉग 12 लाना होगा, ठीक है, ऊपर भी हमें लॉग 12 लाना होगा, मतलब 1788 को हमें 12 के आकार में लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 144, 12 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 1788, ओके, ठीक है ना, चलो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 log 12 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पावर सामने आ जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 log 12 एंड नीचे log 12 रहेगा, ठीक है, ये पावर हाफ है, log 12, log 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, फैनिश हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 9, 9 का पावर है हाफ, हाफ का पावर मतलब क्या है दोस्तों, 9, ओके, तो रूट ओवर 9 हो जाएगा 3, मतलब 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, ओके, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं ये आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, देखो सबसे सिंपल पार्ट से हम लोगों ने शुरू किया, तो ये वाला था सबसे सिंपल वाला पार्ट, ठीक है, तो हम लोगों ने 36 को 6 स्क्वायर लिखा एंड 8 को हम लोगों ने 2 का क्यूब कर दिया, ठीक है, तो ये पावर सामने आ गया है, यहाँ पे पावर सामने आ गया है, ओके, तो 2/2 कट हो जाता है, 3/3 कट हो जाता है, तो नीचे रहता है सिर्फ log 6 प्लस log 2, ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1, तो हम लोग प्लस को मल्टीप्लाई आकार में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नीचे मिलता है log 12, क्योंकि हमें log 12 वैनिश करना है, तो हम लोग ऊपर भी log 12 रखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग 1788 को हम लोग 12 के आकार में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का अगर क्यूब करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, तो हम लोगों ने 12 का क्यूब लिखा, ठीक है, ये क्यूब वाला पार्ट सामने आ जाएगा, 3/3 = 9 हो जाएगा, ठीक है, एंड log 12, log 12 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमें मिलता है कुछ इस तरह से, ओके, ठीक है ना, चलो ये था एग्जाम्पल नंबर 5, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं मार्कर का इंक भी भर लेता हूं, ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, क्या कहा गया है, लॉग रूट 27 प्लस लॉग 8 माइनस लॉग रूट 1000, ठीक है, एंड नीचे है लॉग 1.2, इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट मतलब पावर होगा हाफ, ठीक है, प्लस लॉग 8 माइनस लॉग, यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा, एंड नीचे क्या रहेगा, लॉग 1.2, ठीक है, चलो अभी 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब, ठीक है, तो 3 का क्यूब कर देते हैं एंड ऑलरेडी पावर था हाफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स, प्लस लॉग 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस लॉग अभी 1000 को हम लोग 10 का पावर क्यूब भी लिख सकते हैं,
क्यूब एंड पहले से हाफ था तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों लॉग 1.2। ठीक है चलो तो यहाँ पे रह जाता है लॉग 3/2 प्लस लॉग 2 का पावर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 3 होगा माइनस लॉग 10 का पावर 3/2 एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों लॉग 1.2। ठीक है ना चलो अब देखो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका पावर क्या है दोस्तों 3/2 ये वाला पार्ट इसका पावर भी 3/2 है एंड इसका सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहेंगे इस तरह से करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा सामने हमें हाफ लेना होगा। ठीक है तभी जाके ये हाफ आएगा क्योंकि हमने इस पार्ट को एक्स्ट्रा लिए हैं तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों देखो 2/2 1 ही होता है तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है हमने कुछ नहीं करा तो हम लोग यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 3 उसका पावर 3/2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे एंड हाफ वाला पार्ट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है एंड यहाँ पे लॉग 10 3/2 हो जाएगा एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों लॉग 1.2। ठीक है ना ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा शायद ये पावर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दिए है क्योंकि हाफ हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिए हैं तो हम लोग उसको इक्वल करने के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है जिससे कि वो 1 बन जाए पहले जैसा बन जाए। ठीक है ओके चलो अब क्या करेंगे दोस्तों लॉग 3 उसका पावर क्या होगा 3/2 ओके प्लस लॉग 2 का पावर 2 उसके ऊपर 3/2। अब ये जो 2 रह गया है दोस्तों उसको 2 के ऊपर फिर से लगा देंगे। ठीक है बिल्कुल इस तरह से लग जाएगा ओके एंड माइनस लॉग 10 उसका पावर 3/2 ओके देखो सबका पावर 3/2 हो चुका है एंड नीचे क्या है दोस्तों लॉग 1.2। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में हम लोग लॉग ये पावर्स क्या होगा दोस्तों सामने आ जाएगा 3/2 एंड 3 प्लस 3/2 पावर आ गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगा तो रह जाएगा लॉग 10 एंड नीचे क्या है दोस्तों लॉग 1.2। तो ये सारे 3/2 को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या रहता है सिर्फ यहाँ पे लॉग 3 प्लस लॉग 4 माइनस लॉग 10 ओके ठीक है ना यहाँ पे सिर्फ ये तीनों ही रहता है नीचे लॉग 1.2 रहता है ओके तो 3/2 सामने रहेगा और यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस आकार में है एंड ये माइनस आकार में है अगर इसको हम लोग कंबाइन करें तो प्लस आकार मल्टीप्लाई बन जाएगा एंड माइनस मतलब डिवाइड बन जाएगा ओके तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड 10। ठीक है तीनों को एक साथ हमने फॉर्मूला में लगा दिया। ठीक है एक नंबर फार्मूला एंड 2 नंबर फार्मूला एक साथ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया या फिर आप इस तरह से भी कर सकते थे माइनस लॉग 10 चलो इस तरह से ही करते हैं आपके लिए ओके तो यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों 3/2 रह जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा लॉग 12 माइनस लॉग 10 एंड नीचे लॉग 1.2 तो यहाँ पे माइनस आकार में है ये डिवाइड हो जाएगा मतलब 3/2 लॉग 12/10 एंड नीचे लॉग 1.2 तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा लॉग 1.2 एंड नीचे भी लॉग 1.2 मतलब आखिर में रहता है हमारे पास 3/2। ठीक है ना समझ में आया पूरा हम लोगों ने क्या किया दोस्तों देखो √27 को हम लोगों ने पावर में लिखा 8 तो 8 ही था एंड इसको भी हम लोगों ने पावर में लिखा रूट का मतलब पावर क्या होगा हाफ होगा ओके एंड उसके बाद हम लोग 27 को 3 के आकार में लिखा 3³ 8 को 2³ एंड 1000 को 10³ ओके
ठीक है। देन उसके बाद देखो पावर्स मल्टीप्लाई होके 3/2 हो गया, ये दोनों में 3/2 हो गया पावर, लेकिन इसमें सिर्फ 3 था, तो पावर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दिए, एंड हाफ जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए उसको इक्वल करने के लिए हम लोग 2 और मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ओके। तो ये इक्वल बन गया, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, सारे पावर्स को एक कर दिया ओके। एंड ये जो 2 एक्स्ट्रा था ये इसके माथे पे चल गया ओके। तो चलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हमें मिला इतना, सारे पावर सामने आ गए 3/2, तो 3/2 हमें कॉमन मिल गया, एंड रह गया हमारे पास log 3 log 4 माइनस log 10, ठीक है। एंड ये दोनों प्लस आकार में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये माइनस आकार में है तो बाद में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें मिल गया log 1.2 कट गया, तो हमारे पास रह गया 3/2 ओनली। तो ये है पूरा मैथ का आंसर ओके। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये सारे ट्रिक आपको आता रहेगा, आप जितना मैथ करेंगे जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ट्रिक आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक था ओके। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहा गया है दोस्तों, देखो यहाँ पे log 5 base 5 log 4 base 9 log 3 base 2, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे log 5 base 5 मतलब बेस एंड नंबर इक्वल है तो ये हो जाएगा 1, एंड ये सारे बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ओके। चलो इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखेंगे ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर स्क्वायर एंड log 3 base 2, तो ये 2 सामने आ जाएगा तो रह जाएगा log 3/4 एंड log 3/2। अभी आप लोग रूल नंबर 4 को याद कीजिए, बेस चेंजिंग मैथड, ठीक है। तो बेस चेंजिंग मैथड में क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेस चेंजिंग मेथड, हम लोग बेस को चेंज कर सकते हैं इस तरह से ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे log 3 log 3 1 हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट हम लोग 2 का पावर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एंड इधर log 3 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, log 4 base 4 एंड ये वाला पार्ट पूरा 1 हो गया है, तो एंड ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा क्योंकि 4 base 4, ठीक है, बेस एंड नंबर दोनों इक्वल हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, जहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले हैं ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ क्या कहा गया है देखो दोस्तों, log e base 2 एंड log x base क्या है 625 इजिकल टू कितना है log 10 base 16 एंड log e base 10, ठीक है ओके। तो ये हमें दिया गया है, एंड यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो इस तरह के
प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग सिंपल वाला पार्ट ही लिख लेते हैं, log x 6 to 5 इधर रहने देते हैं इसको। इधर देखो दोस्तों, हम लोग रूल नंबर 4 को यूज़ कर सकते हैं, बेस चेंजिंग मेथड। तो बेस चेंजिंग मेथड से क्या होगा दोस्तों, ये 10 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, log e बेस 16, ठीक है, ओके। तो ये 10 बेस 10 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log e बेस 2 log x बेस 6 to 5 इजिकल टू log e बेस 16, ठीक है ना, ओके। चलो अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको एंड इसको स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, log e बेस 2 रह जाता है यहाँ पे, log x एंड ये क्या होगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर 6 to 5 होता है, तो 5 का पावर 4 होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग 16 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ओके। तो ये 4 सामने आ जाएगा, तो रह जाता है log e 4 log x 5 एंड ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो रह जाएगा log e बेस 4, e बेस 2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट इक्वल है दोस्तों, तो क्या होगा, 4 log x बेस 5 इजिकल टू 4 रहेगा, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 ये 4 अगर कट हो जाता है तो हमारे पास रहता है 1, ओके। तो हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग log x बेस 5 इजिकल टू 1 है, तो हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि अगर बेस एंड नंबर इक्वल हो जाता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log 5 5, ओके। तो x इजिकल टू 5 होगा आंसर, ठीक है ना, ओके। तो x का वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिए हैं। अभी हम लोग होम टास्क लिखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग होम टास्क लिखेंगे। 2 2 4 होम टास्क मैंने दे दिए हैं, तो ये होगा 5 नंबर होम टास्क, ओके। कौन सा होम टास्क दो आपको, चलो ये वाला लिख लीजिए, log 2 81 इजिकल टू 1, देन x इजिकल टू व्हाट, ओके 6 को ये वाला log 5 बेस 5 होता है, तो एंड उसके बाद log x log 10 बेस 2 इजिकल टू कितना है, 2, देन फाइंड x इजिकल टू व्हाट, ओके, ठीक है। ये है होम टास्क आपके लिए, ये दोनों होम टास्क आप सॉल्व कीजिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग और भी 2-3 मैथ्स करने वाले हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट 9 नंबर, इफ log a बेस x इजिकल टू 0.3 एंड log a बेस 3 इजिकल टू 0.4, देन फाइंड log 3 बेस x इजिकल टू व्हाट, ओके। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, ओके okay? अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेस देखो, बेस क्या है, अलग अलग बेस है, तो यहाँ पे हम लोग बेस चेंज मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई लॉग, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो बेस क्या है, ए है, तो ए, ओके। चलो तो दोस्तों देखो, यहाँ पे
ये है log ऐसा, इसका वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे बेस अलग है, लेकिन अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते तो हमें ये मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से करते हैं तो बेस चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसका वैल्यू लिख लो क्या है 0.3 एंड इसका वैल्यू लिख लो 0.4, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4, तो log 3 बेस x का वैल्यू होगा 3/4, ओके। चलो अभी लास्ट मैथ कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा ब्रॉड टाइप होगा, ओके। उसके बाद फिर से होम टास्क दूंगा। तो नेक्स्ट आज का लास्ट मैथ 10 नंबर, इफ log 16 बेस x, ठीक है, प्लस log 4 बेस x प्लस log 2 बेस x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू व्हाट, ओके। तो हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी प्लस आकार में है लेकिन इसके बेसिस अलग अलग है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू 14 ही रहेगा यहाँ पे, ओके। चलो अब log x को हम लोग log x ही लिखेंगे, लेकिन इस 16 को हम लोग 2^4 लिख सकते हैं, मतलब 2^4, ओके। तो 16 आ जाएगा एंड यहाँ पे log x एंड 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे log 2 ही लिखेंगे, ऊपर log x ही लिखेंगे एंड यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर सामने आ जाएगा 4 log 2, log x एंड यहाँ पे 2 log 2 प्लस log 2 एंड ऊपर रहेगा log x इक्वल टू 14, ओके। अभी इस वाला पार्ट को आप LCM कीजिए, log 2 log 2 log 2, ठीक है। तो log 2 कॉमन है तो log 2 लिख लेते हैं एंड 4 2 1 का अगर आप LCM करते हैं तो आपको 4 मिलेगा, ओके। तो चलो LCM करो, अब इतना तो आता ही होगा, 4 log 2 4 log 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा log x, ओके। एंड यहाँ पे 2 log 2 4 log 2, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे देखिए log 2 log 2 मिल रहा है लेकिन 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो दोस्तों log x तीनों में log x है, तो हम लोग क्या करेंगे log x को कॉमन ले लेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 + 2 + 4 एंड ये वाला 14 को आप इधर लाइए तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ओके। एंड इस वाला पार्ट को आप इधर ले जाइए 4 log 2, ओके। चलो अब देखो दोस्तों ये क्या होगा 7/2, ठीक है, 7/14 होगा ये एंड log x इज इक्वल टू 4 log 2, ठीक है। तो इसको कट करने से हमें मिल जाएगा 1/2 log x इज इक्वल टू 4 log 2, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 को इधर ले जाएंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे log x रह जाएगा, 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई होता है तो 8 हो जाएगा एंड यहाँ पे log 2 हो जाएगा, देन उसके बाद इस 8 को हम लोग 2 का पावर बना देंगे, ठीक है। इधर आते हैं log x, तो चलो 2^8 मतलब 256, तो x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 256, ओके। चलो ये था आज का लास्ट मैथ, तो बहुत ही सिंपल था,
आज के सारे मैथ क्या थे दोस्तों, बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे मॉडरेट लेवल में, ओके। एंड उसके नेक्स्ट क्लास में और भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। चलो तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जितने सारे मैथ करे हैं, अगर उनमें से किसी में भी आपका थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट पे आप लिख सकते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो अभी होम टास्क लिख लेते हैं तो हमारा क्लास हो जाएगा फिनिश, ओके। होम टास्क नंबर 7, ओके। इफ 1 by log 3x इज इक्वल टू 1 by 9 देन x इज इक्वल टू व्हाट, ओके, ठीक है। 8 नंबर होम टास्क देखो दोस्तों, यहाँ पे इफ 2 log √3 27 इज इक्वल टू a देन a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये ऑटो होम टास्क आप बिल्कुल करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी मैथ का किताब है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एंड दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट पे भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास पे, जहाँ पे हम लोग मॉडरेट लेवल की लॉगरिथम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।